बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। रामगढ़ का रण फतह कर साफिया खान सरताज बन गई है और इसी के साथ सियासी पिच पर हाथ ने शतक जड़ दिया है। जी, साफिया खान के रूप में कांग्रेस के कुनबे में एक और विधायक शुमार हो गया है, जिसके बाद अब सूबे की विधानसभा में कांग्रेस के 100 विधायक बैठेंगे। इस जीत से एक और कांग्रेस तो मजबूत हुई ही है, वही बीजेपी की रणनीति पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। वही जीत का दावा ठोकने वाले जगत सिंह तो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए, तो क्या मान लिया जाए फिर से चल गया सियासी जादूगर अशोक गहलोत का जादू। क्या है हाथ की जीत के मायने, कहां चूक गया कमर, चुनावी दौर में क्यों हाफ गया हाथी, क्या ये लोकसभा चुनाव का ट्रेलर है, क्या बाउंस बैक करेगी बीजेपी या हाथ हासिल करेगा जीत, और सबसे बड़ा सवाल, क्या फिर से चल गया जादूगर का जादू। बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर। बहस करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ एक कृषि राज्य मंत्री भजन लाल जाटव जी, पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल जी हमारे साथ हैं, अलवर से हमारे साथ जुड़ी रामगढ़ विधायक साफिया खान और कांग्रेस नेता खानुखा बुधवाली भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सवाल आपसे ही रहेगा साफिया जी, पहले तो बधाई आपको इस शानदार जीत के लिए। कितनी उम्मीद इस जीत को लेकर आपने की थी, क्या तैयारी की थी और अब किस तरह से जनता के लिए काम करेंगे? शुक्रिया। देखिए, मुझे उम्मीद थी कि 10 से 15,000 से जीत होगी और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने जो सोचा था वैसे ही आया है और जनता ने अच्छे समर्थन दिया है। 36 बिरादरियों का वोट कांग्रेस के पक्ष में आया है। ये एक मैसेज है सांप्रदायिक ताकतों के लिए कि हमेशा वही उनका जुमले वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। लोगों ने विकास और भाईचारा के नाम पर वोट इस बार कांग्रेस पार्टी को दिया है। बिल्कुल, लेकिन बात बीजेपी की अगर की जाए साफिया जी, उम्मीद की जा रही थी बीजेपी की तरफ से, 40 दिन हो गए हैं कर्ज माफी की बात हो, ये तमाम अहम मुद्दे हैं जिसे लेकर कांग्रेस का साथ नहीं देगी, तो अब आपको क्या लग रहा था, जिस तरह से आपकी तैयारियां थी, क्या आपको पूरी उम्मीद थी इस जीत को लेकर और 100वें विधायक के तौर पर आप विधानसभा में बैठेंगी, इसके लिए भी आप पूरी तरह तैयार थी? जी, मैं पूरी तरह से आश्वस्त थी कि इस बार जनता का रुझान दिख रहा था कि पिछले 10 सालों से यहाँ भाजपा की सरकार थी, भाजपा के विधायक थे और उन्होंने जमीन पे कोई काम नहीं किया था, बस उठपटांग भाषणबाजी के अलावा उसके पास कुछ था नहीं उनके पास, और उनकी वजह से रामगढ़ को काफी हद तक बदनाम भी किया गया था कई वारदातों को लेके। तो इस बार जनता इन सब मुद्दों से परेशान थी और कांग्रेस के पक्ष में उनका रुझान बन रहा था, क्योंकि जनता जानती है कि रामगढ़ में विकास कांग्रेस पार्टी ही करा सकती है। ठीक है, चलिए, कृषि राज्य मंत्री भजन लाल जाटव जी भी हमारे साथ हैं। भजन लाल जी, ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो लगातार आपकी मौजूदगी रही है, किस तरह से आपने इस जीत को कामयाब होने में मदद की है, क्योंकि 10 साल से यहाँ पर बीजेपी के ही विधायक रहे हैं और बार बार बात ये कही जा रही थी कि इतने सारे मुद्दे हैं उस पर काम नहीं किया जा रहा था, सिर्फ वादे किए गए, क्या यही वजह बनी है कांग्रेस की जीत के लिए? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा रामगढ़ की जनता को कि जिन्होंने कांग्रेस की नीति को, नियत को, दोनों को चुना, और उसके बाद मैं बधाई देना चाहूँगा हमारी जो नवनिर्वाचित विधायक हैं साफिया खान जी को कि जिन्होंने पूरे दिन रात लग के मेहनत की है। निश्चित तौर पर रामगढ़ की जो जीत है वो शतक के रूप में हमारी सरकार बनी है, और जब हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये जो जीत है राजस्थान के किसानों की, नौजवानों की और जो सभी जाति सभी धर्म के लोगों की जीत है, और निश्चित तौर पर रामगढ़ में मुझे जाने का मौका मिला, वहाँ के लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, और लोकसभा के उपचुनाव में भी मैं रामगढ़ के लोगों से वहाँ मुझे रूबरू होने का मौका मिला, और निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के नीतियों की जीत है और समस्त कांग्रेस, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रभारी जी, तमाम लोगों ने जिस तरह से वहाँ प्रचार प्रसार की कमान संभाली, ये बात थी कि प्रचार प्रसार की कमान संभाली गई, रघु शर्मा भी थे और कई हीरो थे जिन्होंने हमने बताया अभी कि कांग्रेस से कौन लोग बिल्कुल डटे हुए थे। लेकिन अहम सवाल है जितेंद्र जी, बीजेपी से कहां पर चूक हो गई, क्योंकि तैयारियां उस लिहाज से नजर नहीं आई, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को क्यों नहीं भेजा गया प्रचार प्रसार पर, कहीं ये भी तो एक वजह नहीं बनी है, क्या वजह मानते हैं, या फिर ज्ञानदेव आहूजा का टिकट कटना, वजह क्या मानते हैं? सबसे पहले तो मैं साफिया खान जी को बधाई देता हूं और साथ में जनता का जनादेश स्वीकार करते हुए, वास्तविकता ये है कि सरकार के जो झूठे वादे थे जनता उसके बहकावे में फिर से आ गई और जो सरकारी तंत्र है उसका 100% उपयोग किया गया।
मुझे 4 दिन 8 दिन पहले ही पता लगा कि एक एक मंत्री को एक एक बूथ पे बिठाया गया, एक एक बूथ पर जाके उन लोगों ने मॉनिटरिंग की, अधिकारियों को डराया धमकाया कि चुनाव जीतना आवश्यक है, इस चुनाव में सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। इसलिए जवाब दे दीजिए आप। इसका जवाब दूंगा गोठवाल जी, बहुत हमारे पुराने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। बिल्कुल, तो ये एक उदाहरण बता दें रामगढ़ के अंदर जो काम इन्होंने पूर्व में किए थे, अब ये इनको शक होता है। एक भी उदाहरण एक मंत्री का बूथ पे बता दें कि मंत्री बूथ पे बैठा, मेरे अलावा रघु शर्मा जी हम लोग वहां लगे रहे। और लोकतंत्र के अंदर वोट मांगना सबका अधिकार है, और वो जो हम पार्टी के नुमाइंदे हैं, पार्टी के सरकार के हिस्से के मंत्री हैं, हमारा दायित्व बनता है जनता के बीच में हम अच्छी नीति लेके जाएं, सरकार की उपलब्धियां गिनाएं, और उस चीज को जनता ने स्वीकारा है। और निश्चित तौर पर ये जो हमारा चुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ है, बीजेपी की सरकार ने तमाम उपचुनाव पीछे हारे, हमने उपचुनाव जीता है, इसलिए निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता के लिए लोकसभा के चुनाव में एक सकारात्मक संदेश गया है। लोकसभा की चुनाव में हम लोग ये सीटें जीतेंगे निश्चित तौर पर, राजस्थान में 25 की 25, और हमारी सरकार को लोगों ने सराहा है, एक मैसेज है पूरा का पूरा। और 2013 में जब हमारे चुनाव हुए थे उसके बाद ही चूरू विधानसभा के चुनाव थे उपचुनाव, 25,000 वोटों से हम वो चुनाव जीते थे। ये सरकार के साथ कुछ चीजें चलती हैं, कुछ स्वाभाविक चीजें हैं। 5 साल तक जनता को लगता है कि इसी सरकार के साथ रहना है, काम करना है, कुछ वोट उसका भी मिलता है। और मुझे लगता है कि हम 25,000 से जीते थे, ये 12,000 से जीते कोई बड़ी जीत नहीं है। पूरा सरकारी तंत्र लगने के बाद 12,000 वोटों से जीतना मुझे नहीं लगता कोई बड़ी जीत। ये आप कह रहे हैं सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये भजनलाल जी नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि वो ग्राउंड पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी थी, लेकिन कहीं पर भी सरकारी तंत्र का इस्तेमाल नहीं किया गया। मैंने पहले अपने वक्तव्य में कहा कि कई मंत्री लगे हुए थे, भजनलाल जी ने उस बात को नकारा और फिर स्वीकार किया कि मैं और रघु शर्मा जी वहां पर थे। पूरी सरकार वहां पर है तो स्वाभाविक तौर पर ये आरोप लग रहे कि सरकारी तंत्र का बेजा इस्तेमाल किया गया है और इसलिए भी कहीं ना कहीं फायदा मिला। सत्ता में अभी कांग्रेस की सरकार है, इसका आपको फायदा मिला, लेकिन आप इसे किस तरह से देखती हैं? फायदा आखिर किस चीज का मिला? एक महिला होने के नाते यहाँ पर आप खड़ी हो रही है, वो भी पढ़ी लिखी महिला होने के नाते, जनता को तो पढ़ा लिखा प्रतिनिधि चाहिए, क्या एक ये भी वजह हो सकती है? या फिर जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला हुआ जगत सिंह के आने के बाद, क्या आपको तब लगा कि यहाँ पर जो गणित है वो बिगड़ सकता है? देखिए जितेंद्र सिंह जी, मुझे लगता आपने धौलपुर उपचुनाव की बात कर रहे हैं जहाँ मुख्यमंत्री 6 दिन तक बैठी हुई थी पूरी सरकारी तंत्र के साथ, और उनको हमारे मंत्री एक 2-4 मीटिंग करने के लिए आए तो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। मुझे लगता है इनको अपने गिरिबान में झांकना चाहिए। ये चुनाव जो जीता है कांग्रेस पार्टी ने, ये जनता ने जीता है, रामगढ़ क्षेत्र की महिलाओं ने जीता है, महिलाओं का बहुत सहयोग रहा, बल्कि पोलिंग परसेंटेज भी महिलाओं की बहुत अधिक थी। मुझे लगता है रामगढ़ की जनता ने भारत कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को अपनाया है और विकास भाईचारे पे अच्छा वोट डाला है। रामगढ़ की ये जीत क्या सियासी संदेश दे रही है साफिया जी, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, 25 सीटों का सवाल है। मुझे लगता है ये लोकसभा चुनाव से पहले सीट का जीतना इस बात को दर्शाता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारी मतों से कांग्रेस पार्टी जीत के जाएगी, राजस्थान से ही नहीं बल्कि पूरे देश से, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मोदी जी के जाने का वक्त आ गया है। जिस प्रकार के उनने दिन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने जनता को दिखाए थे, अब उनकी आंखें खुल गई हैं। सपने कभी सारे सपने पूरे नहीं होते, बल्कि उनके 15 लाख की पहली किस्त का इंतजार इस देश की जनता अभी भी कर रही है। बिल्कुल, लेकिन क्या आपको लगता है कि रामगढ़ जैसे ही नतीजे होंगे लोकसभा के? क्योंकि देखिए बीजेपी नेताओं से भी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि वो चुनाव अलग है, ये अलग है, और इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगा लोकसभा चुनाव में। लेकिन विधानसभा में जीत के बाद रामगढ़ का चुनाव होता है, उसमें भी जीत मिलती है, जयपुर में महापौर की बात की जाती है, उसमें भी जीत मिलती, तो एक के बाद एक कांग्रेस को जो जीत मिल रही है, क्या आपको लगता है कि ये सिलसिला लोकसभा में भी जारी रहेगा और इसका कोई असर नहीं पड़ेगा जिस तरह से बीजेपी कह रही है? देख बीजेपी तो ये कहेगी उनका काम है कहना, लेकिन ये जीत का सिलसिला शुरू हो गया है और बीजेपी की हार का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी को अच्छी तरीके से जनता ने नकार दिया है। ठीक है, बीजेपी को नकारा है जनता ने। आप ही जितेंद्र जी इसका जवाब दे दीजिए, कहां पे चूक लगती है? आपने कहा कि 12,000 कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन हार तो हार होती है सर, वो फिर एक वोट से क्यों ना हो? आप पूरे देश की बात कर रही हैं। आज हरियाणा में भी एक उपचुनाव का परिणाम आया, हां ठीक है, जींद में, और उसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए।
मुझे लगता है कि सरकार के एक महीने बाद लोगों ने सरकार के दबाव में, अधिकारियों के, सरकारी तंत्र के उपयोग में यहाँ पर यह सीट जिताई है। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी पूर्व बहुमत से चुनाव जीत कर आएगी और राजस्थान के अंदर भी 25 की 25 सीटें हम लेकर आएंगे। चलिए, आपका कॉन्फिडेंस है, लेकिन खानू खान बुधवाली जी, बीजेपी जीत गई है, कांग्रेस ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, आप लोग ने पूरी बताई कि किस तरह से तैयारी थी और ये जीतना क्यों आप आश्वस्त से लेकर, लेकिन बीजेपी के हार के पीछे वजह क्या आप मानते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं विधायिका जी और रामगढ़ के वासियों को, तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और आपसी फूट, ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही, क्योंकि इनका कोऑर्डिनेशन नहीं होना और इनका जो वहां की जनता थी, तमाम आवाम वहां से इनसे दुखी थी। कभी गाय के नाम पे, मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा। वो लोग डेवलपमेंट चाहते थे, विकास कैसे हो, एक पढ़ी लिखी महिला आई है और ये समाज को साथ लेके, महिलाओं के दुख दर्द को साथ लेके, वहां जनता चाहती है किसी व्यक्ति विशेष का व्यक्ति हो, लेकिन वो व्यक्ति हो जो उनका विकास करे, किसी सामाजिक धार्मिक उन्माद के नाम पे कभी ये कहे, जो बसपा से लड़ना वाला प्रत्याशी ये कह रहा है मैं किसी के घर जाऊंगा और आगजनी कर दूंगा, ये प्रत्याशी हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं रही है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं। हम किस तरह से कंधे से मिला के उस गरीब की झोपड़ी कैसे बनाएं, ये कांग्रेस पार्टी का है, 3600 कौम को साथ ले, या जाति धर्म और मजहब की राजनीति नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके समन्वय समिति, इनके सीएम के बारे में बार बार आ रहे, इनको नहीं ले जाना, ये आपसी वहां था, कहीं वहां के पूर्व विधायक का कोऑर्डिनेशन नहीं होना, लेकिन ये इनको सोचना होगा कि कांग्रेस पार्टी पे या किसी चीज पे अंगुली उठाने से पहले स्वयं के गिरबान में देखे हम वादे निभाते हैं या कांग्रेस निभाती है। ठीक है साफिया जी, एक अहम बात है, क्योंकि डॉक्टर रघु शर्मा की हम बात करें, चिकित्सा मंत्री, लगातार उन्हीं के प्रभार दिया गया था, उनकी सक्रियता भी नजर आई, उन्होंने आज एक अहम बात कही जब फर्स्ट इंडिया से बातचीत की कि 10 साल पीछे रामगढ़ चला गया है, जहां विकास की राह में उसे जिस जगह पे होना चाहिए उससे 10 साल पीछे। अब इस 10 साल का जो टाइम पीरियड है, इसे आप कैसे कवर करेंगे इन 5 सालों में, कैसे विकास की राह पर दुगनी गति से आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि पिछले 10 साल का विकास जो पिछड़ गया, उसको हमें 5 साल में पूरा करना पड़ेगा। और मुझे भी 10 साल हो गए हैं लगभग सक्रिय राजनीति में रहते हुए, अब काम करने का एक्सपीरियंस हो गया है और मुझे लगता है पूरी सरकार का सहयोग रहेगा, तो मुझे लगता है काफ़ी स्पीड से हम लोगों को काम करना पड़ेगा, खासतौर पे शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि जो स्कूल हमने शुरू करे थे भाजपा ने उन्हें बंद कर दिया, और इनका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बचाना का काम भी इन्होंने नहीं किया, बल्कि बेटियों के पढ़ाने के नाम पे इन्होंने राजस्थान में 17,000 स्कूल बंद किए थे। तो शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ पे खास हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और क्योंकि चूँकि सरकार कांग्रेस की है तो पूरा सहयोग मिलेगा, और हम कोशिश करेंगे कि आम जनता को सभी सोशल वेलफेयर स्कीम्स का हम फायदा पहुंचाएं, ग्रास रूट पे हम अच्छा काम करें, पंचायती राज को मजबूत करें, और ग्रास रूट लेवल पे पंचायती राज के माध्यम से ज्यादा विकास। साफिया जी, बिल्कुल, बहुत कुछ करना है, चुनौतियां यहां पर बड़ी रहेंगी, क्योंकि इसके बाद सवाल भी होंगे कि आखिर 5 साल में रामगढ़ क्या वाकई उसी जगह रह गया है, या फिर कुछ कदम आगे बढ़कर विकास की राह पर आगे बढ़ा है। श्रेय भी आपको जाएगा, कमी रह जाएगी तो वो भी आप ही के सर पर आएगा। लेकिन अहम सवाल है जितेंद्र जी, जिस तरह से अभी साफिया जी ने भी कहा, 10 साल पीछे रामगढ़ पहुंच गया, विकास की बात बीजेपी करती आई है, विकास के नाम पर ही वोट की बात करती है कि हम सिर्फ विकास को लेकर वोट मांगते हैं, फिर रामगढ़ में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पूरे प्रदेश में आप कहते हैं कि विकास हमने कराए, रामगढ़ कैसे अछूता रह गया? ज्ञातदेव आहूजा की बात की जाए तो उन्होंने एक जगह बयान भी दिया था कि विकास के नाम पर वोट नहीं मिलते, ये तो बीजेपी की जो नीति है उससे उलट ही यहाँ पर आवाज। देखिए, ज्ञानदेव आहूजा जी का व्यक्तिगत मानना हो सकता है, लेकिन मेरा मानना यह है रामगढ़ के अंदर पहले भी विकास हुआ था, निश्चित तौर पर, हो सकता है कि वहाँ की जनता की अपेक्षा के अनुसार नहीं हुआ हो, लेकिन विकास हुआ था। ये चुनाव जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि सत्ता के इम्प्रेशन में सत्ता का दुरुपयोग कर, और अभी आपने 4 दिन पहले भी बयान पढ़ा था, हमारे प्रदेश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हमारे प्रदेश के मुखिया गहलोत जी लोगों को डराने का काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अगर जन आंदोलन किया थाने में, अगर जेल में गए तो जेल से बाहर नहीं आने दूंगा, ऐसी दादागिरी में ये लोग 1.25 महीने में उतर आए हैं। इसका परिणाम इन्हें लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर मैं बोल रहा हूं कि हम राजस्थान में फिर 25 सीटें लेकर वापस आए। चलिए, यही कॉन्फिडेंस कांग्रेस का भी है सर। हाँ, कानू खान साहब इस पे कुछ कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र बार बार आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन और ये प्रेशर, जब धौलपुर में इनके
मंत्री सम्मानीय राठौर साहब, इनके पीडब्ल्यूडी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ये सरेआम माइनॉरिटी को धमकाना और पैसे बांटने का कार्य किया। राजेंद्र राठौर ने राजपूतों के घर में जाके राजपूत हॉस्टल में पैसे बांटने का कार्य किया। वसुंधरा जी 6 दिन तक एक सीएम अगर उपचुनाव में बैठ रही थी। भ्रष्टाचार और करप्शन आरोप और प्रत्यारोप आपका काम है, हम जनता के प्रतिनिधित्व है, जनता जिसको चाहे जिसको चुनती है। लेकिन रामगढ़ में आप स्वयं कह रहे हो आपका पूर्व विधायक वहां विकास की अवरुद्धता की बात कर रहे हैं, आपके गडकरी जी स्वयं अवरुद्धता की बात करें कि विकास के वो झूठे वादे मत करो जो जनता आपके खिलाफ जाए। लेकिन विकास के नाम पर वोट नहीं मिलते हैं, लेकिन बार बार जीत कर वही आए, 10 साल तक वो विधायक के तौर पर वहां पर मौजूद थे। आपको क्या लगता है कि ज्ञानदेव आहूजा का टिकट कटना एक वजह मानते हैं कि आप बीजेपी की हार का? निवेदन करता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि पिछली विधानसभा में मैं भी सदस्य था, आप भी सदस्य थे, किस तरह का वक्तव्य वहाँ ज्ञानदेव आहूजा जी विधानसभा के सदन में देते थे, किस तरह रामगढ़ की जनता को लज्जित करने का काम वो वहाँ के विधायक करते थे। और उपचुनाव में, मैं तो खुद उपचुनाव में जीत के आया हूँ, मुझे पता है कैसा धन का बल का बीजेपी उपयोग करती थी। मैं कहता हूँ देखो, आरोप लगाना प्रत्यारोप लगाने का अलग बात है, पर साक्ष्य के साथ और तथ्यों के साथ कोई आरोप लगाए, अब भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा इन्होंने कहा, ये खुद और रघु शर्मा जी वहाँ पर थे, मुख्यमंत्री वहाँ पर जाते हैं, उप मुख्यमंत्री वहाँ पर जाते हैं, मुख्यमंत्री प्रेस में बयान देते हैं कि अगर ऐसी दादागिरी जो आप लोगों ने आरोप लगाया हम सरकार में नहीं थे उसका आपने पूरा लाभ उठाया, वहाँ पर पैसे बांटने का काम प्रशासनिक लोगों को दबाने का काम, और बाकी सरकार में फूट की बात है। हमारी मुख्यमंत्री का आज राष्ट्रीय स्तर का उनका दर्जा है, उपाध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में वो पार्टी का नेतृत्व। अच्छा जितेंद्र जी, ये बात बताइए, ये वाकई में होता है क्या? जितेंद्र जी आपने कहा सरकारी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया, ये वाकई में होता है? जितेंद्र जी बात सुनिए, जितेंद्र जी बात सुनिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी की तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी प्रचार में आना चाहिए था। ठीक है, सुनिए, प्रचार प्रसार करने तो पार्टी का आगे, हर किसी का आगे, कोई भी आएगा प्रचार करने, लेकिन आपने जिस तरह से कहा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, यानी जो सत्ता में होगा और अगर उसके विधायक या उसके कैंडिडेट खड़े होंगे तो हर बार आरोप लगता है। आप लोग में भी कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया। हम तो दावा कर रहे हैं, हम इसका दावा कर रहे हैं। मैं 2 दिन वहां पर प्रचार में गया, गांव के लोगों ने, कई लोगों ने हमें शिकायत की, हमें डराया गया, धमकाया गया, हमसे कहा गया कि हमारी सरकार है, अधिकारियों को बुला के ये धमकाया गया कि हमारी सरकार है और हमारी सरकार है, अगर आपने हमें वोट नहीं दिया और आपने हमें वोट नहीं दिलवाया तो आपको बाड़मेर दिखा दिया। लेकिन इसके बावजूद 70,000 से ज्यादा वोट, चलिए आप ये कह रहे हैं धमकाया गया, लेकिन अगर धमकाया गया होता और लोग डर ही जाते तो 71,000 वोट भी क्यों मिलते सुखपाल सिंह को? झूठ बोलने की भारतीय जनता पार्टी, 71,000 लोग तो, 71,000 वोट तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का ग्रॉस लूट लेवल का वोट है। अच्छा, इतना वोट हमें निश्चित तौर पर वहाँ पर मिलना ही था, और पूरी सरकार, पूरी सरकार का तंत्र लगने के बाद मात्र 12,200 वोटों से जीतना, मात्र 12,200 वोटों से जीतना, ये तो मैं मानता हूँ सरकार की हार। वहाँ के गरीब जनता जो है आपसे दुखी थी, वहाँ का आम आदमी, किसान, व्यापारी, बेरोजगार। मैं श्वेता जी एक चीज बता दूं, मैं चुनाव में गया, वहाँ लोगों ने, मैंने चर्चा करी, मैं गांव में ठहरा, मैं रुका, उन्होंने कही बीजेपी के लोग, बीजेपी के प्रत्याशी रहे यहाँ से, चाहे वो विधायक रहे हैं, चाहे कोई मंत्री रहे हैं, बोले साहब हमने बहुत वोट दे लिया आपके धर्म पे, नाम पे, जाति के नाम पर। वो सड़क बनेगी उस पर गरीब भी चलेगा, अमीर भी चलेगा, उस पर हिंदू भी चलेगा, मुसलमान भी चलेगा। हम पानी की बात करते हैं तो पानी आप हिंदू भी पिएगा, मुसलमान भी पिएगा, गरीब भी पिएगा, अमीर भी पिएगा। शिक्षा चाहिए, गरीब भी चाहिए, अमीर भी चाहिए, तो जनता को चाहिए विकास, जनता को चाहिए सड़क, पानी, बिजली, सड़क। 71,000 रही विकास भारतीय जनता पार्टी के दम पर, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दूर रही, उसी का नतीजा है कि हम लोग बहकावे में आते रहे। और निश्चित तौर पर हम लोगों को कांग्रेस की नीतियों को हम लोगों को चुनना है, इसलिए हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, और लोकतंत्र के अंदर इनको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अच्छा काम किया आपकी सरकार, आप चुनाव जीते हैं,
रहना चाहिए थी। ठीक है वो जनता ही चुनेगी ना सर, ये फैसला भी तो जनता ने दिया। लेकिन एक अहम बात है, ज्ञान देव आहूजा का टिकट कटता है, ठीक है, जब इस पर सवाल होते हैं आप लोग कहते हैं कि ठीक है ये पार्टी और आला कमान का निर्णय था कहां किसे बैठाना है और वो किया भी गया, उस पर भी नहीं जाते हम। लेकिन ये भी खबर मिल रही है और जिस तरह से वहां के लोग ही बताते हैं कि ज्ञान देव आहूजा ने भी सपोर्ट नहीं किया, नहीं किया यानी सुखवंत सिंह का साथ नहीं दिया यहाँ पर। मैं दो दिन चुनाव प्रचार में था, मैं दो दिन चुनाव प्रचार में था, ज्ञानदेव आहूजा जी ने डोर टू डोर जाने का काम किया, पार्टी का प्रचार किया, पार्टी के उपाध्यक्ष होने के नाते वो कई बूथों पर जाके हमारे साथ उन्होंने मीटिंग ली, पार्टी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा। ठीक है, जनता का जो जनादेश है उसे हमने पहले कहा कि हम स्वीकार करते हैं। एक बार ये बताओ उन्होंने प्रचार के अंदर क्या बातें कही, जीतने को जीतने कहते हैं और उसके बाद भी सांप्रदायिक ताकतें, उसके बाद भी आप लोग ये कहते हो कि सांप्रदायिक ताकतों के कारण हम पहले चुनाव जीतते रहे, तो इस बार जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। जनता क्यों किसी के बहकावे में आएगी? आप कह रहे डराया धमकाया गया, आपने ये बातें भी कही है, बिल्कुल कहा गया। शिकायत करें ना, आपने पेपर में नहीं पढ़ा, आप शिकायत करें ना। आपके पास फरमान है, इलेक्शन कमीशन है, मुख्यमंत्री, उस पर आप शिकायत करें। इतना अहंकार उनके अंदर आ गया, वो गांधीवादी नेता है, उनकी विचारधारा अलग है। 40 दिन आपके पास में थे, उनका मुकाबला पूरे हिंदुस्तान के अंदर 40 दिन आपके पास में थे जितेंद्र जी, 40 दिन बहुत होते हैं जितेंद्र जी, 40 दिन हम इस पे बात करते हैं सर, हम तो रामगढ़ पे बात कर रहे हैं। 40 दिन आपके पास भी थे, अगर आप लोग कह रहे थे 11 तारीख को परिणाम आते हैं, कर्ज माफी की बात की जाती है और इससे पहले भी बिग फाइट में कई बार हम डिबेट कर चुके हैं और बीजेपी की तरफ से कहना यह था कि कर्ज माफी या जो भी वादे किए वो पूरे नहीं किए गए, जनता जवाब देगी रामगढ़ के परिणाम से, तो जवाब तो नहीं दिया, बीजेपी को ही नकारा गया। जनता ने जवाब दिया ना, 71,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को सरकार के खिलाफ दिए जनता ने, ये एक बहुत बड़ा जवाब है। लेकिन आप तो ये लगता है कि इससे, आप ही के थे। इस सरकार को ये तो सीख लेनी, के वोट थे आप कह रहे हैं, इस सरकार को सीख लेनी चाहिए कि सरकार बने हुए सवा महीना हुआ है उसके बाद भी रामगढ़ की जनता ने हमें 71,000 वोट दिए वहां पर और मात्र 12,000 वोटों से ये जीत के आए। मैंने आपको उदाहरण दिया, पिछली सरकार में हमारे यहाँ पर भी एक उपचुनाव हुआ था और हम 25,000 वोटों से जीत के, पिछली बार 4 उपचुनाव हुए उनमें तो 25,000 से मैं खुद जीत के आया हूँ सरकार के खिलाफ, जिसमें 61 विधायक लगाए गए, कितने 61, एक पंचायत में एक विधायक, 10 मिनिस्टर और धन का बल का सारा उपयोग किया, वो लोकतंत्र की असली जीत रही है। जिस जो सत्ता में एक बार भी नहीं कहते, अब आप ये नहीं कह सकते जितेंद्र जी कि चार उपचुनाव में से तीन जीते, उसके बाद तमाम उपचुनाव, दो लोकसभा चुनाव हम लोगों ने जीते, मानलगढ़ की सीट हम लोगों ने जीती, जनता ने इनको नकारा। सरकार में जब भी उपचुनाव हुआ हमने निष्पक्ष और ईमानदारी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है, ये सिद्धांतों पर चुनाव लड़ती है, हमने हमेशा लोकसभा में ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा, परिणाम बिल्कुल नहीं होगा, 25 सीटें लेकर भजन लाल जी 25 सीट आप भी जीतने का दावा कर रहे हैं। ये तो अब तो लोकतंत्र के अंदर जनता तय करती है कौन चुनेगा। अब ये आप लोगों ने रामगढ़ की जनता ने चुन दिया है, इसका सीधा संदेश लोकसभा के चुनाव पे पड़ेगा और निश्चित तौर पर जनता ने राजस्थान की ने मन बना लिया है, चाहे किसान है, गरीब है, दोषित पिछड़े जितने हैं, उन्होंने राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है, निश्चित तौर पर हम 25 सीटें जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो रामगढ़ जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी और रामगढ़ में जीत के साथ ही कांग्रेस का शतक पूरा हो गया है, 100 विधायक विधानसभा में बैठेंगे, लेकिन अहम सवाल यह उठता है कि क्या जो परिणाम आया है वो लोकसभा चुनाव का रिफ्लेक्शन है, वो लोकसभा की तस्वीर दिखा रहा है। कांग्रेस यही मान रही है और इसलिए कह रही है कि जनता का साथ रहेगा, 25 की 25 सीटें लोकसभा चुनाव में आएगी, लेकिन बीजेपी का मानना यह है कि इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया, इस वजह से जीत मिली, फिर भी कॉम्पिटिशन टफ दिया है जिस तरह से सुखवंत सिंह को 71,000 वोट मिले। बहरहाल लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है और जनता क्या मूड बनाती है उसे भी देखना होगा। चलिए सिक्स बिग फाइट लाइव आज के लिए बस इतना।